गुड इवनिंग। आज आप लोगों को इसमें बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 12 फिजिक्स सेट ए का पेपर का जो सोल्यूशन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनको हम बता रहे हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन का वीडियो पीछे उसमें है, आप देख सकते हैं। ये जो हम बता रहे हैं वो किसका है, ऑब्जेक्टिव सॉरी न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का, इसका पीछे वीडियो में आप देख सकते हैं। और ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, जो दो तीन चार क्वेश्चन न्यूमेरिकल हैं। वैसे आप प्ले लिस्ट में इनको आप अलग अलग जगह पर पा जाएंगे, पर एक साथ हम इसको बताए दे रहे हैं, ठीक। ये पेपर सेट ए क्रमा सेट ए है, ध्यान दीजिएगा, है ना। हर सेट वाले ना देख लेना, सेट देखना तो क्वेश्चन और सेट मिला के देखना, क्योंकि जो हम बता रहे हैं वो सेट ए का है। सेट ए का क्वेश्चन नंबर सिक्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन हम पढ़े दे रहे हैं और क्वेश्चन नंबर सिक्स में दो हैं, है ना। एक मेन क्वेश्चन है, एक आर में है, दोनों का आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग जब उस पेपर को देखेंगे सेट के साथ, है ना, क्वेश्चन के साथ। इसमें लिखा है किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल, एक बैटरी है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, बता देंगे, एक बैटरी है और इस बैटरी का विद्युत वाहक बल जो है वो 12 वोल्ट है। एक बैटरी है, उसका विद्युत वाहक बल कितना है, 12 वोल्ट, और इसका आंतरिक प्रतिरोध जो है वो कितना है, 0.4 ओम है। बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान कितना होगा, बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा, तो यानी आई का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। एक सेल है, बैटरी है, उसका विद्युत वाहक बल 12 दिया गया है, आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम दिया है, अब आई का मान ज्ञात करना है। हम ये जानते हैं, ये लिख दो, दिया है पूरा, आई बराबर फार्मूला होता है आई बराबर ई बटे आर, आंतरिक प्रतिरोध दिया है, तो ये लीजिए, तो ई का मान 12 और आर का मान 0.4, तो 12/4/10, ये 120, 10 ऊपर चला गया, और ये 30 एम्पियर, आई बराबर कितनी धारा, 30 एम्पियर। क्या कि हमने ई का मान दिया है 12, आर का मान 0.4 दिया है, और ये तो पॉइंट हटा दिया तो 10 आया, 10 ऊपर चला 120, 30, आई बराबर ये हो गया, ठीक है ना। इतना सिक्स में, सिक्स का जो आर क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिक्स आर, इसमें क्या दिया है, पांच सेल हैं, दो वोल्ट वाले, आंतरिक प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा है, तुल्य ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पांच सेल हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, ये विद्युत वाहक बल सबका कितना है, 2 वोल्ट, 2V, 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 आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 0.5 ओम 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 ओम, ठीक है ना। ये सब सेल किस क्रम में जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में, ठीक है। सेलों की संख्या ये ई है, और ये क्या है, स्मॉल आर। सेलों की संख्या एन बराबर कितना है, 5। ये ई का मान 2 है, आर का मान 0.5 है। ये आपको बता दें, समांतर क्रम में परिणामी विद्युत वाहक बल ई ही होता है, ये अभी भी कितना होगा,
दो बोल्ट ही होगा तथा आंतरिक प्रतिरोध 1/r' बराबर 1/r प्लस 1/r n पदों तक तो 1/r' बराबर 5/r तो r' बराबर r/5। आंतरिक प्रतिरोध 1/r' निकालना पड़ेगा। आंतरिक प्रतिरोध लाने का सूत्र है 1/r' बराबर 1/r प्लस 1/r n पदों तक। तो ये हो जाएगा क्या, 1/r' बराबर n/r। तो n का मान 5/r, तो ये तो r का मान कितना दिया है, 0.5/5। पॉइंट हटाइए 5/50, 1/10, 0.1 ओम। ये इसका आंसर होगा। क्या होता है कि समान विद्युत वाहक बल वाले, यदि समान विद्युत वाहक बल वाले समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो परिणामी विद्युत वाहक बल उतना ही रहता है, ठीक है ना। आंतरिक प्रतिरोध ये समांतर क्रम के फार्मूला से जुड़ गया, समांतर क्रम में ये होता है, ये आ गया, ठीक। फिर कौन सा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें लिखा है प्लस फाइव माइक्रोकूलाम और -5 माइक्रोकूलाम आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, r बराबर 1 मीटर। ये है Q1 और ये है Q2। IF का मान ज्ञात करना है, हैं? अब ये इसको हम कूलाम में -6 कूलाम, और ये भी क्या हो जाएगा 5×10^6 कूलाम। Q1 का मान इतना दिया है, Q2 का मान माइनस में इतना दिया है, दूरी कितनी है 1 मीटर है, और इनके बीच लगने वाला बल ज्ञात करना है। ये Q1 का मान है, ये Q2 का मान है, ये R का मान है, IF का मान ज्ञात करना है। अब कूलाम के नियम से एफ बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r². यह मैग्नीट्यूड में लिखा जाता है ना, मैग्नीट्यूड परिमाण में, माइनस नहीं लिखा जाएगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 9×10^9 और ये 5×10^-6 5×10^-6 1/1 का² तो ये 5×5 25 नैया 225 10^12 में 9 निकाल दिए -3/1 225×10^-3 ये पॉइंट यहाँ 2.25×10^-1 न्यूटन। ये और आकर्षण प्रकृति का बल होगा, कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल, ठीक है ना। प्रश्न नहीं लिख रहे हैं, प्रश्न आप पेपर से देख लीजिएगा, सेट नंबर ए, ठीक है ना। दिया है दो आवेश हैं, एक ठुए दूरी 1 मीटर है, लगने वाला बल ज्ञात करना है। अब ये दोनों माइक्रो कूलाम में दिए हैं और ये मीटर में दिया है, इसलिए हम क्या कर दिए,
इसको भी कूलाम में बना दिए, मान हल रख कर दिए, फार्मूला कूलाम के नियम से रख दिए। यहाँ पर माइनस नहीं लिखे, क्वेश्चन का और सर माइनस कहाँ गया, तो कूलाम के नियम में परिमाण लिया जाता है आवेश का परिमाण, ना कि माइनस प्लस, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 का था। अब क्वेश्चन नंबर 13 का आर, क्वेश्चन नंबर 13 का आर वाला, इसमें ये बोल रहा है एक मीटर त्रिज्या का खोखला गोली चालक है, एक गोली चालक है, इसकी त्रिज्या आर बराबर कितना है, एक मीटर, ठीक। और इसमें एक कूलाम आवेश दिया है, इसमें क्यू बराबर कितना दिया है, एक कूलाम। गोले के अंदर और बाहर पृष्ठ के निकट विद्युत विभव का मान, ये बोला है कि यहाँ भी, यहाँ पर भी का मान कितना होगा और यहाँ भी का मान कितना होगा। तो आप लोग पृष्ठ के निकट बिंदु पर, पृष्ठ के निकट बिंदु पर माने पृष्ठ पर ही लेना है, ठीक है ना। तो ये बता दें कि पृष्ठ पर विभव जो ज्ञात कर दो, वही पृष्ठ के अंदर भी होगा, यानी पृष्ठ के निकट बिंदु पर विभव भी बराबर 1/4π ln₀ q/r। इसका मान कितना, 9×10⁻¹, q का मान कितना, 1, r का मान भी कितना, ये 9×10⁻¹ वोल्ट, ये हो गया पृष्ठ के अंदर विभव पृष्ठ के विभव के बराबर होता है। यानी जितना पृष्ठ पर विभव होगा उतने पृष्ठ के अंदर भी होगा। यहाँ लिखा पृष्ठ के निकट बिंदु, मतलब पृष्ठ से ही है, ठीक है ना। ये पृष्ठ पर है, ये पृष्ठ के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में एक लिखा, ये आप लोगों को बता दें सबको, क्वेश्चन नंबर 15 में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्वार्टरली एग्जाम सेट ए पेपर के क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वार्टरली एग्जाम सेट ए पेपर क्वेश्चन सेट ए में ही 15 नंबर में है, और उसका वीडियो बना हुआ है क्वार्टरली एग्जाम का, उसमें आप देख सकते हैं। क्वार्टरली एग्जाम का जो हमने पेपर का सलूशन बताया था उसमें क्वेश्चन नंबर 15 सेट ए में यही क्वेश्चन आया था, उसका वीडियो बना हुआ है, उसको आप उससे देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके। अब 15 का आर जो है, आर इसमें लिखा है एक बैटरी है और उसका विद्युत वाहक बल ई बराबर कितना दिया है, 10 वोल्ट, और इसका आंतरिक प्रतिरोध जो दिया है स्मॉल आर का मान वो दिया है 3 ओम, और इससे जो धारा आई का मान है वो कितना दिया है, 0.5 एम्पियर। तो इस परिपथ का प्रतिरोध ज्ञात करो जिसमें ये धारा प्रवाहित होगी, इसका प्रतिरोध कितना होगा।
ये आर का मान कितना होगा, ये एक बैटरी है, प्रश्न में हम लिख नहीं रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा एक बैटरी है उसका विद्युत वाहक बल ई बराबर 10 वोल्ट दिया है, अब आंतरिक प्रतिरोध आर का मान जो दिया है वो 3 ओम दिया है, और उसमें बहने वाली धारा का मान जो है वो 0.5 एम्पियर दिया है, तो इस आर का मान ज्ञात करना है, यानी दिया है क्या आई बराबर ई बराबर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर ज्ञात करना है, आई बराबर दिया है, ई बराबर दिया है इतना वोल्ट, आर बराबर दिया है इस कैपिटल आर ज्ञात करना है, इसमें बहुत आसान है, हम जानते हैं एक फार्मूला होता है आई बराबर होता है ई बटे आर प्लस आर, तो आई का मान कितना है 0.5, ई का मान कितना है 10, आर का मान कितना है नहीं मालूम, इस आर का मान कितना है 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 0.5 आर धन तो ये 1.5 इक्वल टू 10, तो 0.5 आर इक्वल टू 10 माइनस 1.5 8.5 0.5 आर इक्वल टू r = 8.5 / 0.5 सेम डिजिट पर पॉइंट है 85/5, तो r बराबर कितना हो जाएगा 17/85, ये कितना आसान क्वेश्चन है क्या क्या कहा हमने, कहा ये कि एक बैटरी है उसका विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध उसका कितना है इतना है, अब धारा इसमें इतनी जा रही 0.5 है ना, परिपथ में प्रतिरोध का मान कितना होगा, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा है, मेन क्वेश्चन जो है बता दिए, क्वार्टरली एग्जाम सेट ए पेपर में आया था और उसका वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 में ये दिया है, इसमें लिखा है 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई बिंब, बिंब यानी वस्तु, इसमें ये बोल रहा है, क्वेश्चन आप पेपर से जरूर देखना, हम यहाँ पर सॉल्यूशन पर बता रहे हैं, एक 21 सेंटी फोकस दूरी वाले लेंस के सामने इसकी फोकस दूरी लेंस की कितनी दी गई है 21 सेंटीमीटर, और 14 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु एक वस्तु है, वस्तु जो है वो कितनी है -14 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और वस्तु की ऊंचाई जो है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर, ये ऐसा आया है, वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, u बराबर -14 f बराबर 21, ठीक है ना, यदि हम इसका चित्र बनाने का प्रयास करें तो ये मान लीजिए ये यहाँ पर क्या है ये f है, ठीक है ना, और ये वस्तु है, ये f यहाँ वस्तु रखी है, तो ये ऐसे जाएगी ऐसे ऐसे, तो ये इस प्रकार से ऐसे होगा, ठीक है ना, तो इधर प्रतिबिंब कहीं बनेगा, ये ओ है और ये आई, आपको ज्ञात करना है ओ 3 है, एफ कितना है 21 है, और यू कितना है ये -14, एफ ये वाला है यहाँ, एफ इक्वल टू ये लीजिए, इसका यह उधर होता है ना, ठीक है ना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, यानी एफ का मान कितना दिया है 21, यू का मान कितना दिया है -14, इधर होगी वस्तु, और ओ वस्तु की लंबाई, वस्तु ऊपर तरफ 3 सेंटीमीटर की है, प्रतिबिंब जो बना है उसकी ये ज्ञात करना है, यानी आप सलूशन के लिए आपको बता दें यह बराबर दिया है, यू बराबर दिया है, ओ बराबर दिया है, भी बराबर ज्ञात करना है, आई बराबर ज्ञात करना है, और
प्रकृति ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की प्रकृति, इतना प्रश्न में दिया गया है, ठीक है ना। तो लेंस समीकरण से, लेंस समीकरण से, तो लेंस समीकरण से एक बटे एफ बराबर एक बटे भी माइनस एक बटे यू, ठीक। एफ का मान कितना है, एक बटे इक्कीस एक बटे भी माइनस, यू का मान कितना है माइनस चौदह, था ये प्लस हो जाएगा, माइनस सूत्र होता है ये माइनस है भी, तो एक बटे इक्कीस माइनस एक बटे चौदह बराबर एक बटे भी, इसका एलसीएम 42 लघुत्तम हो जाएगा, ठीक है। 21 दूना 42 14 त्रिक 42 एक बटे भी, तो माइनस एक बटे 42 बराबर एक बटे भी, तो भी बराबर माइनस 42 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब जो है लेंस से 42 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर ही बनेगा, प्रतिबिंब लेंस से 42 सेंटीमीटर की दूरी पर कहाँ बनेगा, जिधर वस्तु रखी है उधर ही बनेगा, ठीक है ना। अब तो ये भी आ गया, अब आई चाहिए, तो देखिए हमको ये पता है एम बराबर सूत्र होता है आई बटे ओ बराबर भी बटे यू, इतने को ले लेते हैं, तो आई बटे ओ बराबर भी बटे यू, आई तो पता नहीं है, ओ कितना है 3, भी कितना है माइनस 42, यू कितना है माइनस 14, ये कैंसिल हो गया, तो आई बटे 3 बराबर 14 त्रिक 42, तो आई बराबर कितना 9 सेंटीमीटर। क्या पता चला, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी 9 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब कहाँ बना लेंस से 42 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की तरफ, अब प्रतिबिंब होगा कैसा सीधा, ठीक है ना। तो ये आ गया आंसर, लिखे दे रहे फाइनल में, आप ये लिख दीजिए प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु की ओर लेंस से 42 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, वस्तु की ओर, इधर वस्तु रखी है आकार, प्रतिबिंब की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, अब प्रकृति प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी होगा ये, ठीक है। ये 16 नंबर क्वेश्चन था, अब 16 का अथवा भी देख लो, सोलह का अथवा क्वेश्चन क्या कहता है, 16 के अथवा में क्वेश्चन जो है उसमें क्वेश्चन को आप पेपर से जरूर देखिएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, है ना, सेट ए का क्वेश्चन 16 आर। देखिए इसमें ये बोला है यंग के दुष्लिट प्रयोग में झीरो के बीच की दूरी, लीजिए हम दुष्लिट बनाए दे रहे हैं, ये डी होता है, ये कैपिटल डी होता है, ठीक, और ये केंद्रीय दीप्त फिंज, केंद्रीय दीप्त फिंज है ना,
ये दीप्त अदीप्त दीप्त अदीप्त दीप्त अदीप्त दीप्त कौन सा नंबर? 1, 2, 3। दीप्त चौथा नंबर केंद्रीय दीप्त एवं चतुर्थ। केंद्रीय दीप्त एवं चतुर्थ पहला दीप्त दूसरा दीप्त तीसरा दीप्त चौथा दीप्त यानी बाई फोर का मान दिया गया है। ठीक है ना? केंद्रीय दीप्त से चौथा दिया है तो बाई फोर का मान जो दिया गया है बाई फोर 1.2 सेंटीमीटर। पर्दे की दूरी जो है 1.4 मीटर और ये 0.28 मिलीमीटर। और यहाँ पर तरंग लैम्डा ज्ञात करना है। ये केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है, इससे ये पहली दीप्त दूसरी दीप्त तीसरी दीप्त और चौथी दीप्त केंद्रीय और चौथे के बीच की दूरी इतना दिया है यानी बाई फोर बाई यानवी दीप्त है ना। ये पर्दे से S1 है ये S2 है इनके बीच की दूरी ये दिया गया है। यानी अब देखिए हल में क्या लिखेंगे, हल में दिया है D = 1.4 मीटर स्मॉल D = 0.28 मिलीमीटर। तो ये 0.28 × 10⁻³ मीटर अब बाई फोर 1.2 सेंटीमीटर तो 1.2 × 10⁻²⁰ मीटर। ये दीप्त के लिए और लैम्डा बराबर ज्ञात करना है। हम जानते हैं यानवी दीप्त फ्रिंज की दूरी बाई एन बराबर डी लैम्डा एन अपान डी बाई फोर बराबर डी लैम्डा फोर इंटू डी। बाई एन यानवी दीप्त फ्रिंज की दूरी बाई एन बराबर डी लैम्डा एन अपान डी होता है तो बाई एन यानी बाई फोर एन यानी फोर है ना। अब सबका मान रखे देते हैं सबका मान तो बाई फोर का मान कितना है 1.2 × 10⁻²। और डी का मान कितना है, डी का मान 1.4। लैम्डा का मान नहीं मालूम और इसका मान 4 और डी का मान कितना है 0.28 × 10³। तिर्यक गुणा कर दो, तिर्यक गुणा देखना तो इनको इधर ला देते हैं 1.2 × 10⁻²× 0.28 × 10³ बटे ये इधर 1.4 × 4 = लैम्डा। ये इसके साथ इंटू हो गया और ये अपान हो गया। अब देखना तो इसमें क्या करें, इसका पॉइंट यहां भेज देते हैं
आइए इसका पॉइंट हटा देते हैं, देखना इसका पॉइंट हटा दे, हटा देते हैं देखना। तो ये 12 गुणे 10 की घात माइनस 2, और इसका पॉइंट यहाँ कर देते हैं तो ये 28, तो ये 10 की घात माइनस 5, इसका पॉइंट यहाँ कर दिए। ध्यान देना समान अंक पर हैं तो दशमलव हटा दिए, ये लीजिए इसका पॉइंट हटा दिए, ठीक है, और इसका पॉइंट हटा के ये माइनस 5 कर दिए। अब देखना ये 14 दूना 28, और ये 14 दूना 28, और ये 4 3 12, अब कितना हुआ, ये 4 3 12, और ये 14 दूनी 28, 3 दूना 6 गुणे 10 की घात माइनस 7 बराबर लैम्डा, ठीक है। क्या आया, लैम्डा बराबर 6 गुणे 10 की घात माइनस 7 मीटर बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम। ये तो उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी हो जाएगी, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। कैलकुलेशन आप देख सकते हो, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है तो उसको आप देख सकते हो, तरीका यही है, ठीक है ना। ये तो इसमें प्रकाश की तरंग दैर्ध्य इतनी होगी। और भी जो भी क्वेश्चन या किसी के पास कोई दूसरा सेट है और उस सेट का क्वेश्चन ना बनता हो तो आप कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं कि ये सेट का वीडियो बना दीजिए, तो उसका वीडियो हम बना देंगे, सेट आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बोर्ड और बोर्ड की तैयारी के लिए जो भी क्वेश्चन जो भी यहाँ इम्पॉर्टेंट बताए जाएंगे वो सब आपको मिल जाएंगे। इसमें और भी जो भी क्वेश्चन हैं वो सब आप चैप्टर वाइज ढूंढेंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ना मिलेगा। थैंक यू।